वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आए ये देखिए, साबे भी उठकर आ गई है। उठो 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 उठो। अच्छा, उठने नहीं, साबे का तो मूड नहीं लग रहा है उठने का। जैसे कि आपने देखा, साबे को तो बहुत ज़ोर सी नींद आई हुई थी, वो सो गई। और मैंने सोचा आज मौसम अच्छा है, बारिश भी नहीं हो रही है, तो क्यों ना आप घूम थोड़ा वॉक करके आ जाते हैं, और साथ ही आपको अपनी कॉलोनी से घुमा देती हूँ। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको अपनी सुंदर सी कॉलोनी जहाँ मैं रहती हूँ। ये देखिए, सामने दो ब्लॉक है आमने सामने, और ये इधर से घूमते हुए ये मेरा ब्लॉक है राइट साइड में, और ये मेरी बालकनी। ये दिखाती हूँ जहाँ ये फर्स्ट सेकेंड और ये टॉप फ्लोर पे है मेरी बालकनी, जिसमें सबसे ज़्यादा कपड़े हैं क्योंकि मैंने कल कपड़े धुले थे। और ये है वो व्यू जो मैं हमेशा अपनी आपको अपनी बालकनी से दिखाती हूँ। जहाँ देखिए ग्राउंड फ्लोर से कैसा लग रहा है, हाँ कितना प्यारा आसमान लग रहा है ये देखिए। और ये मेरे ब्लॉक से बाहर की तरफ जाते हुए, ये हम यहाँ पे नॉर्मली घूमते रहते हैं, मतलब सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए या रात को डिनर करने के बाद। और यहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं, आपने देखा होगा साबे को इधर खेलते हुए। और ये देखिए, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ ऐसे ही खड़ी हैं क्योंकि यहाँ पे कोई पार्किंग स्पेस नहीं दिया हुआ अलग से। और अभी ना मैं आपको एक बहुत खूबसूरत सा व्यू दिखाने वाली हूँ सनराइजिंग का, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। अब आप देखिएगा आपको कैसा लगेगा। मैंने आपको एक खूबसूरत सा व्यू दिखा दिया जो मुझे तो काफ़ी पसंद है, और मैं हमेशा इधर से वॉक करती हूँ क्योंकि इधर से ना सूर्य देवता उगते हुए नज़र आते हैं। वो भी देखिए कैसे दिखाई देंगे, आपको भी बहुत प्यारे लगते हैं बादलों के बीच से सुनहरी सुनहरी किरणें, और सुबह सुबह का मौसम, ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे तो, इसलिए मैं हमेशा इधर से ही वॉक करना स्टार्ट करती हूँ। चलिए अब आपको मैं लेके चलती हूँ पार्क साइड एरिया में। यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे तो लेफ्ट साइड में कम्युनिटी हॉल आएगा, और थोड़ा आगे चल के राइट साइड में हमारा एंट्री गेट। लेकिन पहले मैं आपको लेके चलती हूँ अपने गार्डन में, और जहाँ पे बच्चे खेलते हैं उनके झूले में, वहाँ वो मैं आपको, और मैं आपको एक झूला दिखाती हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है ये स्लाइडिंग वाला, क्योंकि ये इतना बकवास है ना, इसमें कोई ग्रिप नहीं बनती है बच्चों की। ये देखिए वाला, देखिए सावे इस पर ना आने की हमेशा ज़िद करती है, और मुझे हमेशा डर लगता है कि ज़रा सा बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर जाएगी, क्योंकि देखिए इसमें बैक साइड कोई सपोर्ट है ही नहीं। छोटा बच्चा जाएगा अगर इस पर, अगर ज़रा सा बैलेंस बिगड़ेगा वो कैसे गिरेगा, सोचो ऊपर से गिर गया तो एकदम से नीचे गिरेगा और धड़ाम से गिरेगा। तो ये बहुत पहले के झूले हैं, किसी ने ये सब सोचा नहीं होगा, और हम लोग सोचते हैं क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि मुझे हमेशा उसके गिरने का डर रहता है इसलिए। और आप भी सोचते होंगे जब देखो सावे सावे, अब क्या करूँ मेरी ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द हो गई है, इसलिए मुझे भी सावे सावे दिखती है। चलो तो छोड़ो, मैं ये आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ, हमारे कॉलोनी का जो ये गार्डन है, और पीछे की साइड वो देखे वो जो ग्रे ग्रे में दिख रहा है वो कम्युनिटी हॉल है। अभी इसमें थोड़ा काम चल रहा था, अभी हमारी कॉलोनी में दरवाजे वगैरह लगे थे तो ये थोड़ी सी गंदी हो रही है, नहीं तो बहुत सुंदर है। और इधर देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, और ये हमारे क्वार्टर्स हैं, इनमें से आगे मेरा ब्लॉक है वो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी सुंदर है मेरी कॉलोनी, काफ़ी ग्रीनरी है इधर, मज़ा आता है बारिश के मौसम में तो और सुंदर लगती है। तो गार्डन भी दिखा दियो अंदर की साइड से कैसा लग रहा है काफ़ी सुंदर, पहले बड़ा सुंदर था, अभी भी थोड़ा सुंदर है, लेकिन क्या ना कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था तो सब फैला के चले गए। और ये जो क्वार्टर्स दिख रहे हैं ये सब 2 BHK हैं, इधर से घूमते हुए ये कम्युनिटी हॉल है, और ये इधर ये वाले सारे 1 BHK क्वार्टर्स हैं। ये देखिए ग्रीनरी काफ़ी है। सब चलते हैं कम्युनिटी हॉल की तरफ, जो कि अभी कलर वलर होने के बाद काफ़ी सुंदर दिख रहा है, पहले भी सुंदर था लेकिन अभी तो इन्होंने जो कलर चेंज किया है वो काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये देखो इसमें जो ग्रे और ये क्रीम कलर वाला कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा लग रहा है, और इसमें इन्होंने थोड़ा सा ऑरेंज भी ऐड किया है। ये देखिए ये है हमारा इधर से, इसमें 3 गेट्स हैं, एक ये है, बाकी दो एक इसके फ्रंट साइड में है और एक और है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे हमारे कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं या फिर हमें कोई सेलिब्रेशन करना हो तो हम इसको बुक कर सकते हैं। ये देखिए, और
एक गेट ये है, ये देखिए, जैसे हमारी कॉलोनी में एंटर करते हैं सबसे स्टार्टिंग में यही है। तो मैं इसका दूँ, ये देखिए ये हमारा एंट्री गेट है लेफ्ट साइड में, पर मुझे मैं राइट में लेके जाऊंगी आपको इसका तीसरा गेट दिखाने के लिए। ये देखिए, और ये फ्रंट से ऐसा लगता है इस साइड से, यहाँ पे लेकिन सांप बहुत निकलते हैं इसके सामने से। ये जो झाड़ियाँ हैं ना राइट साइड में ये वाली, इनमें बहुत सांप निकलते हैं। सो चलो मैं हम आपको लेके चलती हूँ एंट्री गेट, वहाँ पे सिक्योरिटी वाले भैया बैठे रहते हैं। ये देखिए, ये रहे सिक्योरिटी वाले भैया, और ये लेफ्ट साइड में हमारे छोटी से डिपार्टमेंटल स्टोर, जिसमें हमारी नॉर्मल बेसिक चीज़ें मिल जाती है, बेसिक नीड वाली। ये सामने भैया का सामान रखा है, दूध वगैरह। इसमें मतलब ऐसा होता है कि जैसे हम नॉर्मली क्वार्टर्स जो है सिटी से काफ़ी दूर होते हैं, तो हमें रात को भगना नहीं पड़ता। नॉर्मली हमें छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ज़रूरत की, वो हमें मिल जाती हैं। और ये है 1 BHK वाले क्वार्टर्स। ये देखिए, ये साइड तो वैसे मैं आपको काफ़ी बार अपनी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ से जो ये जो आसमान वाला व्यू है ना काफ़ी सुंदर है। ये देखिए, ये हमारी कॉलोनी का वाटर टैंक, जहाँ से पूरी कॉलोनी में पानी सप्लाई होता है। इसमें भी पेंट हो रहा है, देखिए। और ये लेफ्ट साइड में CPWD का ऑफिस है, जहाँ पे हमारी सारी कंप्लेंट्स रजिस्टर होती है। और बस इतनी छोटी सी कॉलोनी है हमारी, लेकिन काफ़ी प्यारी है, काफ़ी ग्रीनरी है जैसे कि आपने देखा, और स्पेसियस भी है बच्चों के लिए जितनी होनी चाहिए। सो अब हम वापस घर को जाएंगे, जिधर से हमने स्टार्ट किया था, देखिए वापस आ गए हैं। और ये लेफ़्ट टर्न हम लेंगे मेरे ब्लॉक की तरफ, और देखते हैं जाकर हमारी मैडम उठ गई होंगी कि सो रही होगी। चलिए तो चलते हैं। ये देखिए, मैं वापस आ गई। क्या ना, काम वाम तो मैंने निपटा लिया है अपना, मैं बहुत बिजी हो गई थी काम वाम निपटाने में, ख़त्म करने में, इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वैसे भी मैंने कॉलोनी का टूर कराया है, तो आप उसको एंजॉय कीजिएगा आज। सो अभी क्या है ना, मैं अपनी एक फ्रेंड के घर जाने वाली हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे, टाइम के बाद मैं उसके घर जा रही हूँ। मतलब वो मुझे काफ़ी बार बोल चुकी है, तुम आना घर पे, आना घर पे, वो होता है ना, पर टाइम नहीं मिल पाता, कभी कुछ लगा ही रहता है। तो वो काफ़ी गुस्सा भी हुआ है मुझसे, क्योंकि वो मुझे 2-3 बार बोल चुकी है आने के लिए और मैं नहीं जा पाई। सो अभी मैं जाऊँगी उसके घर उससे मिलने के लिए, और फिर क्या है ना, अगले महीने वो घर भी जाने वाली है, इसलिए अब जाना तो बनता है, कम से कम 2-3 बार जाना पड़ेगा, नहीं तो वो नाराज़ होकर जाएगी यहाँ से। सो चलिए मैं मिलवाती हूँ आपको उससे और उसके बेटे से। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो गाइस, जैसे शालिनी ने बताया कि मेरा भी चैनल है रिद्धियान ब्लॉग से, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाओ, मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अभी मैं बना रही हूँ इनके लिए भेलपूरी, क्योंकि इन लोगों ने मेरे को काफ़ी बार बोला है कि हमें भेलपूरी बना के खिलाओ, तो मैं आज इनके लिए भेलपूरी बना रही हूँ। और साइड में बैठी हमारी एक और फ्रेंड, वो कैमरे के सामने आने से बहुत ही डरती है, मना कर देती है हमें, कैमरे के सामने मत लेके आओ। फिर ठीक है यार, अब जबरदस्ती किसी को ला नहीं सकते हैं, तो उसका मन होगा तो ले आएंगे। वो हमसे प्यार नहीं, वो हमसे प्यार नहीं करती, हमारा चैनल प्रमोट नहीं करना चाहती। उसके भाव ना कुछ ज्यादा हाई है, हमें उसके लिए कुछ ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा, तब वो मानेगी, तब वो हमारे चैनल पे आएगी। हाँ, क्या ही बात है, मजा ही आ गया आज तो। रितु के घर आए और क्या खातिरदारी की रितु ने। अरे देखो बच्चे कितने उतावले हो रहे बन खाने के लिए, ये देखो।
ये देखो उनको अब सब इन सबको मिक्स कर लिया। पूरी भी रेडी हो गई हमारी, हमारी चाय भी रेडी हो गई है। चूँकि 6 मैंने सोचा घर की तरफ चल लेते हैं क्योंकि मैं 1:30 बजे आ गई थी, ये भी ऑफिस से आने वाले होंगे। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया और हमने भी खूब गप्पे मारे, जैसे कि लेडीज़ की बातें होती है जो ख़त्म ही नहीं होने वाली होती। बच्चे भी थक के सो गए और जबकि ये उठने भी वाले हैं, तो सोचा घर चलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। सो गाइज, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हम दोनों के चैनल को। तो ठीक है गाइस, ऐसे ही हम आप हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो बाय बाय, टेक केयर। चैनल का नाम क्या है? रिद्यान ब्लॉग्स। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।